टरबाइन ड्रिवन है, एयर की जरूरत नहीं है और 8 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। तो सबसे पहले आपको ये मेंस कॉर्ड आपका मेंस आउटलेट पे लगाना है, ठीक है। उधर से ऑन कर दिया आपने, उधर से ऑन कर दिया, फिर ये मेन, ये एसी और ये डीसी। ये आपका जो एसी है वो इधर बैटरी बैकअप चार्जिंग सब ऑन के टाइम मेन्स ऑन में रहता तभी चार्जिंग होते है। और ये डीसी बोले तो ये मैम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन होता है इस पे अपना लिनोवो टैब पे, जब तक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन नहीं होगा आपका वेंटिलेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो आपका ये HME फिल्टर है ऑलवेज, मतलब इसको आपको लगा के रखना कंटिन्यू 72 आवर्स तक, उसके बाद चेंज करना है। चेंज कर सकते हैं, हां चेंज कर सकते हैं, 72 आवर्स पर इंतजार है। तो निकालो के फिल्टर है ना, फिल्टर चेंज करायला लागतं। हां 72 आवर्स संपल्यानंतर तसंच बोंब नाही ना, ब्रीदिंग सर्किट के साथ ही आता है सर्किट विद। ये जो इनलेट है ये एयर सक करता है, मतलब वही टर्बाइन बनाता है, अंदर एयर बनाता है, टर्बाइन ड्रिवन है, कंप्रेसर की जरूरत नहीं। अभी मैं डेमो भी दूं तो टर्बाइन और ऑक्सीजन मिक्स है। ये आपका प्रेशर रेगुलेटर है, मिनिमम 3-4 बार तक चलता है, उतना ही रहना चाहिए प्रेशर, नहीं तो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करेगा। 3-4 बार ये रेगुलेटर हम लोग ने सेट किया हुआ है, यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट आइडियली तो 4.2 बार रहता है ना? नहीं नहीं, अपना वेंटिलेटर का 4 बार है, वो इम्पोर्टेड रहता होगा शायद। हाँ, तो ये दोनों बटन ऑन रहना जरूरी है, ये याद रखना, मेन से ये दो बटन और ये ऑक्सीजन का आपका रेगुलेटर, जो भी प्रेशर चेक कर देना। फिर हम आते हैं, यही है ना आपका एडजस्ट करने के लिए, तो इसको किसी ने टच ही नहीं करना। नहीं नहीं बिल्कुल, एक किट के साथ आता है ये अपना फिल्टर। नहीं नहीं, वो मशीन के साथ, कौन सा फिल्टर इसके साथ आता है, किट के साथ आता है ना, उसके लिए कुछ अलग। लॉन्ग प्रेस करिए, वाइब्रेट जब तक नहीं होगा नहीं छोड़ना है। अभी आवाज आया तो छोड़ दिया मैंने, मतलब वाइब्रेट हो गया तो ये टैप चालू हो गया वेंटिलेटर। मतलब डिस्प्ले ऑन किया ना अपने, वेंटी तो ऑन हो चुका है। हमें 3 फिल्टर तो लगेगा इसमें, एक इनलेट में, एक आउटलेट में और एक एक्सपिरेटरी। और ये आपको यहाँ पे नहीं लगाना तो पेशेंट एंड में लगा सकते हो, लेकिन ये इधर ही रहेगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं। तो गॉट इट करना है आपको, ये आपको चेंज मोड में जाके, ये सब मोड है, इन्वेसिव मोड, इंट्यूबेशन करना है कैनुला वगैरह तो इन्वेसिव मोड आप यूज़ कर सकते हैं। और NIV, ये NIV मोड है, देखो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लॉस हुआ, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन होना ज़रूरी है इसमें। तो आपने तो ऑन किया था ना, वो बीच में बगिंग आता है तो चले जाता है, लेकिन उसके लिए रुकना है आपको, जब तक ब्लू नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ना है, ब्लू हो गया तो आपका वेंटिलेटर तो बाद में नहीं ना वो बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वही पूछ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप बंद करोगे तो ही बंद होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों बटन। नहीं नहीं, अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लॉस हो गया तो बीच में ही वेंटी रुक जाएगा वेंटिलेट करना। नहीं नहीं मैम ऐसा है ही ना, पीछे से बटन आप बंद करते हो, आपने स्टार्ट करना भूल गए, समझो बंद कर दिया, देखो मैंने एकदम ये बंद हो गया। चलो माना मैं डेमो दिया और कोई भूल गया है, आपका कोई एक स्टाफ भूल गया पीछे से ऑन करना, सिर्फ ये ऑन किया है और वहाँ से भी ऑन है, लेकिन ये देखो ये ऑन ही नहीं होगा। तो इन शॉर्ट जब मशीन ऑन करनी है तो दोनों स्विचेस ऑन करने हैं, रेड वन एंड ग्रीन वन। यस यस, और डिस्प्ले के लिए हमें यहाँ से जैसे मोबाइल ऑन करते वैसे साइड से ऑन करना है, साइड से ऑन करना है। अब ये ब्लूटूथ आ गया आपका चेंज मोड, ये जैसा इन्वेसिव मोड और NIV मोड, CPAP BiPAP HFO2 हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी। फिर फॉर एग्जांपल आपको वो ये देना है वेंटिलेटर मोड पे इंट्यूबेशन में, तो ये आपका सेटिंग्स आएगा, उसमें आपको आई रेशियो बढ़ाना है, कम जास्ती करना है, तो सब टच स्क्रीन है मैम, आप कम जास्ती लिमिट यहाँ से भी कर सकते हो। फिर एक्सपिरेटरी भी सेम है, फिर आपका
टाइडल वॉल्यूम मिनिमम मैंने बताया था आपको 50 ml टू 2000 ml. इट कैन बी यूज इन पेडेटिक एज वेल एज एडल्ट. मिनिमम 50 ml, मैक्सिमम 2000 ml. यस. रेस्पिरेटरी रेट मिनिमम 1 bpm टू 60 या bpm. फिर PWF मिनिमम आपका है 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर टिल 5 सेंटीमीटर. फिर आपका FI2 जो चूज करना आपको 90, 98%, 100% वो चूज कर लेंगे. फिर एक्सेप्ट कर लिया मैंने. फिर आपका अलार्म सेटिंग, अलार्म प्रोफाइल. ऐसा मिनिमम आपको टाइडल वॉल्यूम यूज करना है मिनिमम 200. को 200 के नीचे जाना नहीं है तो ये फिक्स हो गया. ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया 200. लेकिन ये 200 के नीचे गया तो लो टाइडल वॉल्यूम ब्लिंक होते रहेगा. तो जैसे 800 को अगर आपको टाइडल वॉल्यूम कम करना है, मतलब मेरे को हाई टाइडल वॉल्यूम मैक्स टू मैक्स हाय अलार्म आणि लो अलार्म सेट करतात ना, की म्हणजे ह्या व्हॅल्यूच्या खाली गेलं की अलार्म आला पाहिजे, ह्या व्हॅल्यूच्या वरती गेलं की अलार्म आला पाहिजे. ते सेटिंग्स पण तुम्ही चेंजेस करू शकता. डिफॉल्ट नाही आहे इसमें. डिफॉल्ट आहे ना मॅम, मी अभी ऑटो सेट कर दिया तो डिफॉल्ट हो गया. ये मतलब आपका मैं बता रहा हूँ, वो समझ गए हो गया. तो ये एक्सेप्ट हो गया. फिर बाद में स्टार्ट वेंटिलेशन. बस एवढं. पहले स्टार्ट वेंटिलेशन से पहले अपने वो प्री चेक दिखाना चाहिए ना. यस यस. कुठल्याही पेशंटला लावण्याच्या आधी आणि तुमचं एक मॉर्निंगला मशीन चेक असतं ना, तेव्हा तुम्ही प्रीयूज चेक करूनच ठेवायचंय मशीन मध्ये. असं नाही व्हायला की पेशंट आलं, पेशंटला लावलं आणि त्याच्यानंतर कळतं की वेंटी चालत. प्रीयूज चेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. बटन आपला स्विच प्री यूज चेक वर क्लिक करायचं. प्लीज टर्न ऑफ द ऑक्सिजन सप्लाय. मीने टर्न ऑफ केलं. येस. प्लीज टर्न ऑफ द मेन्स पॉवर फ्रॉम द वॉल सॉकेट. तिकडून पर करू शकतो आणि हे लेफ्ट वाले तुमचा लेफ्ट साइड चा त्या ते बटन आहे हे वाले ग्रीन वन. हां ओके. बंद केला. बजर का साउंड आला. यस. मुझे प्लीज कंफर्म इफ योर बजर टोन. यस. मतलब आपको मशीन पूरा इंडिकेटर दे रहा है, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है. मैंने फिर ऑन भी कर दिया. प्लीज रिमूव द एक्सेलेशन वाल्व ट्यूब फ्रॉम द पोर्ट. दिस वन चेक करें. प्लीज कंफर्म इफ एयर कम्स आउट फ्रॉम द एक्सपिरेटरी वाल्व टू पोर्ट. यस. रिमूव द पेशेंट सर्किट एंड ऑल फिल्टर्स टू प्रोसीड द विथ नेक्स्ट टेस्ट. फिल्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये निकालना है आपको. प्लीज कंफर्म इफ एयर कम फ्रॉम द इंस्पिरेशन प्रो. यस. कनेक्ट एक्सेलेशन वाल्व ट्यूब एंड पेशेंट सर्किट एंड आर्टिफिशियल टेस्ट लंग फॉर फर्दर टेस्ट. वो तो लगा हुआ है इसमें. यस ओके. ऑक्सीजन सेंसर इनबिल्ट है. हाँ इनबिल्ट है ऑक्सीजन सेंसर. सब टेस्ट पास. ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेशन, एक्सपिरेटरी फ्लो सेंसर इसके अंदर होता है. फ्लो सेंसर भी इनबिल्ट है. हाँ. तो वो रिप्लेसमेंट. वो तो मैम कम से कम उसका भी टाइम है, गुड 2-2.5 साल का रहता है. लाइफ है उतना. हाँ लाइफ लाइफ में. मुझे कैलिब्रेशन लो ओटी की गरज नहीं. अब जितना टेक्निकल क्वेश्चन है ना आपका मैम, जो चिराग सर से बात कर सकते हैं. ठीक है ठीक है. तो जो भी आपने प्रीयूज टेस्ट किया उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्ट ही नहीं किया. नहीं नहीं. राइट. विदाउट ऑक्सीजन अभी आपको पेशेंट को लगाना है. उसके बिना का ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेट हो रहा है बिना ऑक्सीजन के. ये देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर कैलिब्रेशन पास आ रहा है. बोल रहे, लेकिन मैंने ये सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए निकाला, मैंने लगाना भूल गया. एक बात लगाना है तो पास कैसे, निकाल के लगाना है. पास कैसे हो गया फिर मैम? ऐसे हम लोग का जो ये सेंसर का अगर फॉल्ट रहेगा मैम, एक रुक एक मिनट, फॉल्ट रहेगा तो सेंसर फील बताएगा ही. अच्छा. अंदर से काम नहीं कर रहा वो आपको बजर दे गए ऑक्सीजन सेंसर फील, तो मशीन कुछ काम का ही नहीं. ठीक है ठीक है. देखा सबने प्रीयूज चेक पास हो गया ना, तो इसके बाद स्टार्ट वेंटिलेशन करना है. उससे पहले मैं अभी देखो एक फीचर बता दो. एडमिट पेशंट तुम्हारा जरी कोई नवीन पेशंट है, त्याचा नाव, एंट्री आयडी, बर्थ डेट, ये सर्व टाइप करायचं याच्यामध्ये. इकडे जाऊन हे सर येणार आहे तुम्हाला
कोणता पण नाव तुम्ही ऍडजस्ट करून त्याच्यामध्ये लिहायचं. ही पेशंट हिस्ट्री आहे हे झाला आणि नाव इकडे येणार तुमचा पेशंट नेम आय डी येणार. पेशंट हिस्ट्री, पेशंट हिस्ट्रीमध्ये तुमचं मिनिमम हे बघा तुम्ही काय सेटिंग ठेवलं होतं 2 तास 3 तास पहिले सर्व दाखवणार. स्पॉन्टेनियस मिनिट व्हॉल्यूम, लीक व्हॉल्यूम, काय टी आय सेकंड, म्हणजे मिनिमम किती दाखवतो हिस्ट्री. किती पण म्हणजे पेशंट जिसको भी रखा है आपने 180 मिनट मतलब बोले तो अभी 1.5-2 घंटे में जो भी पेशंट हिस्ट्री है और आपको देखना है मतलब 2:30 बजे क्या रखा, 3 बजे क्या रखा, मतलब 12 से 3 बजे के बीच में पूरा हिस्ट्री पता है. आप जैसे आपका मैम ड्यूटी खत्म हो गया फिर दूसरा डॉक्टर आके पेशेंट हिस्ट्री देख सकते हैं वही मॉनिटर का. 180 मिनट, यस यस 180 मिनट. तो ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं. फिर अपना चेंज मोड पे जाके अगेन वेंटिलेशन जो भी अपन ने सेटिंग किया एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्टार्ट वेंटिलेशन. हाँ अभी जो आपको पूरा चेंजेस करना है आपको वापस चेंज मोड पे नहीं जाना है. टाइडल वॉल्यूम सर डॉक्टर ने बोला 350 रखना है, ओके 350 मैंने रखा यहाँ से ही रखा है. रेस्पिरेटरी रेट 18, ओके. पीडब्ल्यू भी बढ़ाने बोला है, ये हो गया. FI2 अपन 60% रखते हैं. अभी आपको वेवफॉर्म स्केल देखना है मैम, ये जो वेवफॉर्म स्केल स्केलिंग होता है मतलब आपको उसका डेप्थ बढ़ाना है कम करना है वो हिसाब से देखें. अभी फॉर एग्जांपल करंटली देखो कितना उसका गैप, देखो कितना बढ़ रहा है तो गैप के हिसाब से आपको टाइम स्केल्स आप कमती जाती करते हैं. आपको बढ़ाना है गैप तो 10 mm पे रखता हूं मैं तो आपको देखो गैप बढ़ गया उसका डिस्टेंस वही है स्केल मतलब डिस्टेंस बढ़ाना है इसका. इसको अगर देखोगे तो कितना है मैक्सिमम मिनिमम 20 रखोगे तो आपको 22 तक रखोगे तो आपको एकदम न्यूट्रल हो जाएगा. लूप्स भी देख सकते हैं मैम, लूप्स वॉल्यूम बाय प्रेशर, फ्लो बाय वॉल्यूम, फ्लो बाय प्रेशर, दिस इज लूप्स. ये सब इम्पोर्टेड मशीन में भी लूप्स है, वेव स्केल है, सेम वैसे ही है. हाँ अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ. अभी मैम ये जो बता रहा है आपको एडिशनल वैल्यू जो आपने सेट वैल्यू रखा है यहाँ पे पेशेंट का, इट विल फ्रैक्शनलाइज जो सेटिंग वॉल्यूम प्रेशर जो जा रहा है वो इतना जा रहा है पेशेंट को. PIP, PWP, प्लेटो, VTI, VTE, FI2, करंट 60 है, मैंने 60 सेट किया, 59 बता रहा. रेस्पिरेटरी रेट, आई रेशियो, एंड देन हियर इट कम मिनट वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, स्पॉन्टेनियस मिनट वॉल्यूम, और अपना लीक वॉल्यूम भी बताएगा आपको. लीक कंपेटेबल है अपना मशीन. RS, रैपिड शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स भी है. सी डायनेमिक, TI, TE और प्लेटो, ये सब ऑटोमेटिकली आपको सेट करके जो आपने सेट फीचर्स किया है वो उसको इधर फ्रैक्शनलाइज बता रहा है. तो ये आपका सेट वैल्यू है और ये आपका डिस्प्ले हो रहा है जो डिलीवर हो रहा है पेशेंट को. अभी आपको स्टेटस देखना है आपका मशीन का जो अपन ने टेस्ट पास किया था वो अभी बताएगा. लास्ट टेस्ट कभी परफॉर्म किया है. और उसका वर्जन भी है मैम, यू कैन सी द वर्जन. वर्जन अपडेट होता है तो हम लोग आपको बताएंगे करके, इसको अपग्रेडेड करना है तो उस हिसाब से चलेगा. हाँ तो ये आपका एडिशनल फीचर है मैम. कभी कभी पेशेंट का एक्सपिरेटरी होल्ड करना है या इंस्पिरेशन होल्ड करना है तो ये ऑटो डिटेक्ट है. जैसे मेरे को इंस्पिरेशन होल्ड करना है फॉर लंग वॉल्यूम, ऑटो डिटेक्ट है वो होल्ड करके वापिस रिलीज कर देना. दिस इज द बेटर फीचर है ये, इसमें मुझे नहीं लगता ड्रैगर में है शायद ये. इंस्पिरेटरी होल्ड और एक्सपिरेटरी होल्ड तो रहता ही है ना, बट ऑटो ये हो गया. फिर आपका एडिशनल सेटिंग इसमें तो टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट, PWP, FI2, बट आई रेशियो आपको चेंज करना है ये सेटिंग में तो यहाँ से कर सकते हैं. बाकी अलार्म हिस्ट्री जो भी बज रहा है यहाँ पे सब बताएगा आपको. हाई टाइडल वॉल्यूम, लो टाइडल वॉल्यूम, पूरा हिस्ट्री होता है. इफ यू वांट टू स्टैंड बाय लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन करना है मैम. इफ यू वांट टू गोर छेड़खानी नहीं करना है गोर, तो तीन फिर रिलीज करने के लिए भी इसको प्रेस करना है स्टैंड बाय. यस ओके. एंड दिस इज फॉर मैम ये लोगो है अपना नोकर का अपडेटेड लोगो बोलते हैं. अच्छा, लोगो लोगो फाइन. हाँ विचारा था तुम्हाला, एकदम इजी है, तुम्ही पण प्रैक्टिकल करून बघा तुम्हाला माहित पडेल. ये क्या ब्लूटूथ यहाँ से सिर्फ शो कर रहा है ना, कुछ चेंजेस नहीं होगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, जब तक बटन वहां से बंद नहीं हो भूल गए आप तो ही वो होएगा मैम.
ऑटोमेटिकली मशीन चलते चलते पेशेंट पे वो ऑफ होना सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो अंदर इनबिल्ट ही हुआ है। अभी आप मुझे एक बार ये चेंज करने के लिए ऑटोक्लेव के लिए कैसे रिमूव करना है उनको दिखा दीजिए। देखो पहला तो ये निकालना है, रबड़ को खींचो, ये तो मेटल है, रबड़ को खींचो, फिर वो खींचते वक्त कुछ भी तोड़ना नहीं है पहली बात तो, नहीं तो वो उसके लिए ये फेमस है हमारा स्टाफ। अब इसको भी निकाल सकते हो, ये इसको भी अलग करना पड़ेगा बस। अगर इसको खोलना, एक मिनट, इसको खोलना तो इसको भी के लिए क्या क्या जाएगा आपका, इसको भी खोल सकते हैं, ट्यूबिंग जाएगी, इसको ऐसा खोलना है तो पूरा जाना है ऑटोक्लेव के लिए। ऑटोक्लेव के लिए पूरा डालेगा तो भी चलेगा, अंदर भी सिलिकॉन कैप ही है मैम ये।